वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो पता ही, मैं घर पे हूं। पापा थोड़ा ठीक हुआ है, अभी वो जाल बन रहा है मछली पकड़ने के लिए नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा जैसा देने के लिए बना रहा है। तो चलिए मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। गसर कठाल आसे तू कि कोई बाइटिया लागिबो एरे पका ना डांगर होबो लागिबो पकिबो तेथिया खाम। डांगर होले कठहल लगा हुआ है तो इसलिए ये देख के इधर बार बार दौड़ दौड़ के आता है, उसको कठहल चाहिए। लेकिन ये छोटा छोटा है, ये सब्जी खाबो पड़ा हो से ना नहीं आरो डांगर होबो आरो डांगर होबो न। तो आज हम लोग यहाँ पे मछली पकड़ेंगे। अभी ये हम लोग का तालाब, छोटा मोटा तालाब है पीछे की तरफ। की बेटा फिश कुक हो गए, सबसे ज्यादा ये खुश रहा है। देखिए इसका हंसी नहीं रुक रहा है। पुठी मास धरले डांगर डांगर आसे न पुठी रे। काटा आसे बेटा, कावे मास है। बहन को देख के मुझे भी मछली पकड़ने के लिए मन कर रहा, इसलिए मैं बाल्टी सानी लेके ही चला गया। पानी बहुत ठंडा था, मुझे पानी में उतरते ही मुझे एकदम मुंह से चिल्लाने निकल आया। तो इधर मम्मी भी चिल्ला रहा है कि बेटा को भी उतारो, लेकिन वो तो ऐसे ही बेताब है उतरने के लिए पानी में, लेकिन मैं उसको नहीं उतारूंगी। पानी बहुत ठंडा है, देखिए ये भी चला जा रहा है। तो बहन के साथ मैं भी अभी इसको ये घास जो है ना, घास को पकड़ खींच खींच के ऊपर में लाऊंगी। तो उसके साथ ही मछली भी आ जा रहा है, एक दो मछली ऐसे ही मिल रहा है। ज्यादा मछली नहीं मिला क्योंकि थोड़ा सा ही मिला, पानी बहुत ज्यादा था तब सारा मछली नीचे गिर जा रहा था। तो हम लोग को ज्यादा मछली नहीं मिला, सिर्फ चोखा खाने के लिए मिला। तो ऐसे ही थोड़ा हम लोग का खाना भी अभी का दोपहर का खाना के लिए हो जाएगा। तो हम लोग और एक तालाब है, हम वहीं पे मछली पकड़ेंगे अभी, ये वाला पोखरी में। तो इसका ब्लॉग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।